तो फ्रेंड्स, जब भी आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन की बात आती है तो दिल्ली वो शहर है जो कि सबके ख्याल में आता है, मन करता है कि भाई हम भी दिल्ली जाके तैयारी करें। पर ये भी हम जानते हैं कि दिल्ली में फिर रहने का खर्चा भी है। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो वहाँ रहने का खर्चा भी है, ठीक है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। अगर आप दिल्ली से यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, एक ग्लोबल कंपटीशन मिलता है, आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे लोगों के साथ जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हमें भी इस जो जिस दौड़ में जिस गोल के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वर्थ इनफ है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन दिल्ली से ही की है। अगर आप आईएएस के टॉपर्स लिस्ट की बात करें तो भले ही थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में वो अपनी सिटी चले गए, हैदराबाद चले गए या गुड़गांव चले गए, लेकिन उन्होंने जो बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पहली बार कोचिंग उन्होंने दिल्ली से ही ली थी। हालांकि अब बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, इन सिटीज़ में भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गई हैं। आपको अगर इन इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप अगर किसी भी सिटी, इलाहाबाद, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कहीं पर भी हैं, तो आप blog.oureducation की रैंकिंग चेक कर लीजिए। वो आपको सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट बता देगी आईएएस कोचिंग की, विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडमिशन कितना होता है, कितना बैच साइज है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, पास्ट ईयर रिजल्ट क्या रहा। मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप अगर पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं और आपको वहाँ की बेस्ट कोचिंग जाननी है तो मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका आना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा कंपटीशन मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने दिल्ली से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, भले ही वो आज माने इस बात को चाहे ना माने। एक चीज़ तो मान लीजिए, अगर आप वो इंसान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं और इस बार दूसरी बार यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये बात मान लीजिए, अगर आप दिल्ली से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा है। दिल्ली या कोई पर्टिकुलर लोकेशन की कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई आपको 100% टैगलाइन की गारंटी नहीं देती कि हाँ, अगर आप यहाँ से कोचिंग करोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रगल तो आपको करना ही है, मेहनत आप ही को करनी होगी। एक इंग्लिश की सेइंग भी है, इट इज़ योर रोड एंड योर्स अलोन, अदर्स मे वॉक इट विद यू बट नो वन कैन वॉक इट फॉर यू। इसका मतलब होता है कि दूसरे लोग आपके साथ हो सकता है वॉक करें, हो सकता है आपके डेस्टिनेशन, आपके लिए आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन में हो सकता है दूसरे लोग आपकी मदद कर दें, लेकिन कोई आपकी जगह आपका रास्ता नहीं चल सकता है। तो ये चीज़ एकदम आईएएस एग्जामिनेशन पर भी, प्रिपरेशन पर भी सही बैठती है। मेहनत आप ही को करनी होगी, चाहे आप कोई भी कोचिंग ले लें, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, किसी के साथ भी बैठ के पढ़ लें, लेकिन पढ़ाई आप ही को करनी होगी। जगह, कोचिंग, वो सब आप जितनी बेटर चूज करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाती है। फिर बात आती है कि क्या मैटर करता है सबसे ज़्यादा आईएएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। लोग कहते हैं कि मेहनत करो आईएएस एग्ज़ाम निकल जाएगा, बट अब ये जो ज़माना है, ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ज़माना है जिसमें इतना टफ कंपटीशन है, हर साल कम से कम 15 से 20 लाख लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, इस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलने वाला है। आपको हार्डवर्क तो करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। यही एक कारण है कि आपको यूपीएससी की कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं वो आपको स्मार्ट तरीके बताती हैं, आपको मोरल बूस्टिंग करती हैं टाइम टू टाइम पर। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इस डिस्कशन को, बेस्ट आईएएस कोचिंग सेंटर इन दिल्ली के डिस्कशन को यहीं पे संक्षिप्त रखते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली में सबसे अच्छी 10 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बोला था कि हम आज डिस्कस करेंगे बेस्ट आईएएस कोचिंग इन मुंबई, तो अब हम गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली।
तो बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली में कौन कौन सी कोचिंग है वो हम देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली के बारे में बताने के लिए वो है blog.our education। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि blog.our education 10 साल पुरानी एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि एक प्रॉपर रिव्यू आपको देती है और लिस्टिंग देती है बेस्ट आईएएस कोचिंग सेंटर्स, आईआईटी कोचिंग, नीट कोचिंग, बैंक यू एसएससी कोचिंग की पैन इंडिया बेसिस पर। तो आप जब भी अगर गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट आईएएस कोचिंग या बेस्ट नीट कोचिंग तो आगे आप लिखिए बेस्ट आईएएस कोचिंग आर एजुकेशन, बेस्ट आईएएस कोचिंग इन नागपुर आर एजुकेशन, बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली आर एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे बेस्ट टॉप 10 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में कौन सी हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको इतना अच्छा डेटा मिलेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मतलब इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में भी डेटा को डाला हुआ है कि अगर आप आईएएस कोचिंग का सिलेक्शन करना चाहते हैं एज पर दी बेस्ट आईएएस रिजल्ट, मतलब आप ऐसी कोचिंग चुनना चाहते हैं जिसका भाई आईएएस रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो आप इस ग्राफ में से देख के अपनी पसंदीदा आईएएस कोचिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जिसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा आप उस कोचिंग को चुनना चाहेंगे अगर आपका पैरामीटर है पास्ट ईयर आईएएस रिजल्ट। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में कंसीडर किया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पास्ट ईयर रिजल्ट क्या है, बैच साइज क्या है, टीचर्स क्या है, और जिन स्टूडेंट्स ने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है उनका क्या फीडबैक रहा। तो जो नंबर वन बेस्ट कोचिंग सेंटर है सिविल सर्विसेज में दिल्ली में वो है वाजीराम एंड रवि आईएएस कोचिंग। नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा वाजीराम एंड रवि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। वाजीराम एंड रवि आईएएस कोचिंग काफ़ी तरीके के कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे कि अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको प्रीलिम्स कम्स मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये वाजीराम एंड रवि आईएएस कोचिंग दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड जो पास्ट ईयर रिजल्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं उनकी भी पूरी जानकारी आपको दी गई है। जो सेकंड बेस्ट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में वो है प्रूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी अच्छी कोचिंग है, पर ये जो कोचिंग है ये 35 बच्चों को ही पढ़ाती है, क्योंकि इस कोचिंग सेंटर का जो फोकस है मेजरली रिजल्ट पर रहता है, मतलब इनको अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे लेने हैं उसमें से इनकी कोशिश रहती है कि 35 के 35 बच्चे आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लें। तो ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये इनकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है कि भाई हम जितने भी बच्चों को पढ़ाएंगे वो सारे बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर से निकलें, हमें मतलब दे आर नॉट बिजनेस प्रोफेशनल्स कि भाई बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग में दाखिला दे दो, एडमिशन दे दो, हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने, हमें क्या मतलब है। उसमें से अगर 1000 भी बच्चे मेरी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम 20 तो निकालेंगे, जो और कोचिंग है जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और ज़्यादा बच्चे को एडमिशन देती हैं उनका मेजर पर्पस सिर्फ बिजनेस करना है। तो प्रूटस आईएएस कोचिंग जो है काफ़ी जेन्यून कोचिंग है, 35 बच्चों को लेती है एंड 35 बच्चों को निकाल देती है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन में। ठीक है, कई प्रोग्राम ये लोग ऑफर करते हैं जैसे कि सी सेट हो गया, मेन्स एग्जाम हो गया, कॉम्बो आईएएस प्रोग्राम हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, है ना, सारी जो भी नॉर्मल आपको कोर्स करिकुलम लेना होता है वो सारा ये भी प्रोवाइड कराती है प्रूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो थर्ड बेस्ट आईएएस कोचिंग सेंटर है दिल्ली में वो है एनालॉग आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये बहुत अच्छी कोचिंग है, पुरानी कोचिंग है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन में, और इसका जो एक और सेंटर है वो हैदराबाद लोकेशन में है, तो वहाँ से तो इसने बहुत आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकाले हैं, है ना। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको एनालॉग आईएएस कोचिंग में ज़रूर एक बार जाना चाहिए। यहाँ के जो अगर आपने मेंस में मैथमेटिक्स लिया है तो आप इस कोचिंग को ही चुने, एनालॉग आईएएस कोचिंग दिल्ली को। जो यहाँ पे श्रीकांत वेनोकोटा सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और आपको ऐसा फील करवा देते हैं ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनके जो इनका यहाँ का जो एमबीएस है वो इतना अच्छा है, वो आपको ये फील करा देते हैं कि आपको मतलब एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान फुल ऑफ कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बिकॉज ये आपको इतनी ज़्यादा रिगरस टेस्ट सीरीज देते हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराते हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग कराते हैं जितना दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट
नहीं कराती है, आप बस यही मान के चलिए। इनके जो स्ट्रैटेजीज है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज है, इन्होंने दिल्ली से हैदराबाद से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। अगर आपको आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चुननी है एज़ पर द फी स्ट्रक्चर, तो आप इनमें से कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ फीस रैंक की गई हैं, ठीक है। पुटस आईएएस कोचिंग, शुभरंजन आईएएस कोचिंग, KSGIS कोचिंग, ALSIS कोचिंग, फ्यू ऑफ द बेस्ट IAS कोचिंग है, ठीक है। एंड अब आता है फोर्थ रैंक की IAS कोचिंग है, वो है नेक्स्ट IAS कोचिंग। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपने इंजीनियरिंग किया है या आप साइंस साइड से हैं और आपको टेक्निकल में ही मेंस का एग्ज़ाम लिखना है, मतलब आपको मैकेनिकल में लिखना है या इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखना है, सिविल में लिखना है, तो नेक्स्ट IAS कोचिंग काफ़ी अच्छी कोचिंग है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली जो आपने ये मेड इजी का नाम सुना होगा, ये उसी की फ्रेंचाइजी है, मतलब ये उसी का ही एंटरप्राइज है रहता। इट्स नॉट फ्रेंचाइजी, राइट वर्ड वुड बी एंटरप्राइज। उन्हीं ने अपनी IAS की कोचिंग भी खोली है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कराते थे, अब ये लोग IAS की तैयारी कराते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं लिंक इस पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप सारा डिटेल्स वहां से ले लीजिएगा। अब बात करते हैं जो फिफ्थ रैंक की कोचिंग है ALSIS कोचिंग। उससे पहले मैं आपको बता देती हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड स्टडी मटेरियल, तो वो उसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ब्लॉग डॉट अवर एजुकेशन ने दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा सर्वे करती है कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोगों ने ये पाया कि इस वेबसाइट में कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्वे किया गया ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो सारे पैरामीटर्स अगर आपको अच्छा पास या रिजल्ट पे चुनना है तो भी कंसीडर किया गया है, आपको बेस्ट फैकल्टीज पे चुनना है तो भी उस पर भी किया गया, फीस स्ट्रक्चर पे तो भी इन्होंने आपको बार ग्राफ बना के दिया, और आपको गुड स्टडी मटेरियल के बेसिस पे, स्टडी मटेरियल नोट्स के बेसिस पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनना है तो उस बेसिस पे भी आपको ये रिजल्ट इन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है। फिफ्थ रैंक की जो कोचिंग है वेल नोन, वो है ALSIS कोचिंग इंस्टीट्यूट। डिटेल्स आप नीचे मैंने जो लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप उस URL पर जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पेज पे ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। रैंक सिक्स्थ है दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत सुटेबल कोचिंग है। सेवन्थ रैंक की कोचिंग आती है खान स्टडी ग्रुप, ये भी वेल नोन कोचिंग है। बट देखिए ये जो रैंकिंग की गई है रैंक 1 टू रैंक 10, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स की गई है। तो जो खान स्टडी सर्कल है वो रैंक 7th पे आती है, रैंक 8th पे आती है श्रीराम IAS कोचिंग, रैंक 9th पे आती है विजन IAS कोचिंग, रैंक 10th पे आती है IMS IAS क्लासेस। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ IAS फैकल्टी के बिहेवियर पर, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस तरह से रैंक किया गया है। वाजीराम एंड रवि IMS IAS, शुभारंजन IAS, प्रूटस IAS काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं बार ग्राफ में, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो प्रूटस IAS, एनालॉग IAS काफ़ी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर टॉप IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आपको कोचिंग IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चुननी है और आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो आप इस पेज पर आइए। आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो बच्चों के रहते हैं IAS एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान, वो भी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो व्हाट्स न्यू के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बटन भी साथ में हिट कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोग अगर मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इस तरह से आगे और मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी प्लान किए गए हैं मेरे द्वारा कि हम आप IAS एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देंगे, तो वो भी मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर से हिट करिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू।